नमस्कार। तुला राशि मई 2023, आज का ये प्रेडिक्शन है 7 नंबर की वायु तत्व की राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, अभी अप्रैल शुरू होने वाला है। अप्रैल का प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अभी ये प्रेडिक्शन है मई महीने का। जानते हैं प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए तुला राशि में, तुला राशि के जो नक्षत्र स्टार्ट होते हैं वो चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये तीनों तीन नक्षत्र वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड, मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर अहमदाबाद गुजरात से। नक्षत्र बेस राशि फल में आप सबका स्वागत है। तुला राशि में बात करें तो सबसे पहले केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं। केतु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र का ये ट्रांजिट है, जिनका भी जन्म का नक्षत्र स्वाति है, सूर्य का स्वाति है या चंद्र का स्वाति है, ये दोनों जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग फल देने वाला है, मानसिक स्थिति विचलित करने वाला है। जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है, इनका थोड़ा सा ऐसा कुछ प्रकार का डिस्टरबेंस हो सकता है हेल्थ वाइज, के आप जो रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिजिकली आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की कुछ असमंजस वाली परिस्थिति में ये केतु आपको डाल सकते हैं। हालांकि नक्षत्र वाइज जो बोले तो जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, इनको कुछ आकस्मिक धन लाभ होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बन रही है। स्वाति के लिए मध्यम फलदायी है, विशाखा के लिए अति मित्रा नक्षत्र है। तो विशाखा में जिनका जन्म है तुला राशि में, ये जातकों को एब्रॉड कनेक्शन या एब्रॉड रिलेशन से आपको कुछ जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। प्रिडिक्शन में बात करेंगे मेन एनर्जी सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य का जो भ्रमण है आपके सप्तम स्थान के अंदर है, और सूर्य जो कि राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, 15 मई को सूर्य आपके अष्टम स्थान में चलेंगे। 15 मई टू 15 जून, 15 मई से लेकर 14 जून तक का जो समय है, सूर्य आपके आठवें स्थान में चलने वाले हैं। ये ट्रांजिट भी खास करके हेल्थ को लेकर ठीक नहीं है, और इसमें भी खास करके जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है या चंद्र स्वाति है, ये जातक थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। बुध गुरु और राहु सप्तम स्थान में है सूर्य के साथ, 15 मई तक का जो समय है आपके लिए ठीक ठीक है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट में खास करके आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर हैं, इनको भी अपने बयानबाजी में, वक्तव्य में केयरफुल रहना होगा कि आपके स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी पब्लिक लाइफ में ना बढ़े। मंगल भाग्य स्थान में चल रहे हैं, 10 मई तक मंगल का भाग्य स्थान में जो फल है वो मध्यम फलदायी है, और उसके बाद मंगल चलेंगे कार्य क्षेत्र में 10वें स्थान में। मंगल भले ये नीच राशि में चलेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र के अंदर मंगल का फल शुभ माना जाता है। तो जो कोई भी जातक मेडिकल, पैरामेडिकल, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि प्रकार के व्यवसाय से कनेक्टेड हैं, इनको कामकाज में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लव मैटर की कारक ग्रह शुक्र का ट्रांजिट 2 मई से शुक्र अष्टम स्थान में है, जो शुभ है सक्सेस इन लव मैटर। 2 मई से 30 मई, 2 से 30 तारीख तक शुक्र चलेंगे मिथुन राशि में भाग्य स्थान में, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। और 30 मई के बाद शुक्र भी 10वें स्थान में चलेंगे, तो 10th हाउस में चलने वाले शुक्र जो हैं मंथ के एंड में, जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, लग्जरियस इंडस्ट्री बोले तो होटल, मोटल, रेस्टोरेंट इत्यादि प्रकार के व्यवसाय से कनेक्टेड है,
ऐसे जातकों का भी कामकाज में जबरदस्त प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। राहु सप्तम स्थान में जो है ये अश्विनी नक्षत्र बता रहा मैं है, तो अश्विनी नक्षत्र जो है ये पर्टिकुलरली जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तुला राशि में है, ये जातकों को कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला है, क्योंकि आपके शत्रु योनि में चल रहे हैं। योनि का है ना जबरदस्त प्रेडिक्शन के अंदर फल है फ्रेंड्स, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की जो योनि है ये महिषी योनि है, महिषी बोले तो भैंस, और इस नक्षत्र में जो अभी चल रहे हैं राहु अश्विनी, अश्व बोले तो घोड़ा, तो ये जबरदस्त एक प्रॉब्लमेटिक ट्रांजिट है गोचर के अंदर, जिसमें स्वाति वाले जातक हैं तुला स्वाति वाले, क्योंकि योनि दोष के कारण आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भारी तनाव क्रिएट महसूस करेंगे। किस प्रकार से हो सकता है वो तो आपको समझना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के और आपके ग्रह कितने मिलते हैं, जो जब आपने शादी किया था तब हॉरोस्कोप मिलाया था नहीं मिलाया था वो एक दो नंबर की बात है, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कैसा बैठता है उनके साथ वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन गोचर ट्रांजिट में जाने वाले राहु आपके पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। और दूसरा जिसे बताया कि केतु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, नक्षत्र में चल रहे हैं स्वाति में, जिसके कारण ऐसा कुछ इंटरनली फीलिंग आएगा बॉडी के अंदर, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब रिपोर्ट करवाएंगे तो कुछ आएगा नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इंटरनली ऐसा लगेगा। केतु जो है वो ऐसे अनडायग्नाइज डिसीज, मतलब जो रिपोर्ट के अंदर नहीं आता है और आएगा भी नहीं, क्योंकि वास्तव में प्रॉब्लम है नहीं, एक्चुअली ये केतु के कारण प्रॉब्लम है। और वैन केतु रिमूव्स फ्रॉम स्वाति, आई थिंक जून के अंदर केतु नक्षत्र बदलने वाले हैं, तो केतु चित्रा में चलेंगे, उसके बाद फिर स्वाति वाले जातक को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो स्वाति नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, खास करके जिनका भी जन्म का सूर्य स्वाति है या चंद्र स्वाति है, ऐसे जातकों को फीडिंग टू बफेलोस एंड फीडिंग टू हॉर्स दोनों को खिलाना है आपको, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि राहु सप्तम स्थान में जो चल रहे हैं आपकी राशि के ऑपोजिशन में, इसको बैलेंस करने के लिए आपको घोड़े को खिलाना है, फीडिंग टू हॉर्स एंड फीडिंग टू बफेलोस केतु के लिए। केतु स्वाति नक्षत्र में चल रहे, स्वाति नक्षत्र की योनि महिषी योनि है, महिषी माने भैंस, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो साइकिल चल रही है आपकी राशि के अंदर और सप्तम स्थान में, ये चार ग्रहों का जो जमावड़ा है, इसमें से जो गुरु है वो भी अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे, और बुध का भी ट्रांजिट अश्विनी वरणी ऐसा होगा, और सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक अप्रोक्सीमेटली ये अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे। तो ये अश्व नक्षत्र वाले जो ग्रह है ये तुला में स्वाति वाले जो जातक हैं इनके लिए अनकंफर्ट जोन है रिगार्डिंग रिलेशनशिप विथ पार्टनर एंड इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो। सो आप सबको क्या करना है, तुला राशि वाले जातकों को घोड़े को खिलाना है, फीडिंग टू हॉर्स, उसके साथ साथ आपको भैंस को भी खिलाना है, आप इस ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। और यदि आपका जन्म का सूर्य 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में है, जन्म के सूर्य तुला राशि में है, तो इस प्रेडिक्शन का आपको असर होने वाला है, जन्म के चंद्र भी तुला राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन का आपको असर होने वाला है, और जन्म के सूर्य चंद्र
दोनों साथ में हैं तुला राशि में, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। नक्षत्र इस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है, और मिलते हैं जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।